नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। मैं हूं आपके साथ पूजा वशिष्ठ। सौंठ और अदरक दोनों ही पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। सौंठ में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर, विटामिन ए, विटामिन सी, फॉलिक एसिड, फैटी एसिड और विटामिन सी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। वहीं अदरक में भी औषधीय गुण अधिक मात्रा में होते हैं। अदरक विटामिन डी, विटामिन ई, आयरन, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम का अच्छा सोर्स होता है। अदरक और सौंठ दोनों ही स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। अदरक और सौंठ एक दूसरे से संबंधित भी हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि आखिर सौंठ और अदरक में अंतर क्या होता है, तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं। सौंठ क्या है? सौंठ अदरक का ही एक सूखा हुआ रूप होता है। सौंठ बनाने के लिए पहले अदरक को अच्छे तरीके से सुखाया जाता है, इसके बाद इसका पाउडर भी बनाया जाता है। इसे ही सौंठ कहा जाता है। अदरक के पाउडर को सौंठ के रूप में जाना जाता है। वहीं कई जगहों पर ये सूखी भी होती है। अदरक क्या है? अदरक से अधिकतर लोग परिचित हैं। अधिकतर भारतीय घरों में अदरक का उपयोग किया ही जाता है। अदरक का उपयोग चाय हो, सब्जी हो या फिर दाल, सभी का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। जिस अदरक को मसाले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है वो अदरक की जड़ होती है। आइए अब जानते हैं कि सौंठ और अदरक में अंतर क्या है। सौंठ और अदरक कहने को तो एक ही है, लेकिन इन दोनों में काफी अंतर होता है। सौंठ और अदरक के पोषक तत्वों में बेहद अंतर होता है। सौंठ अदरक को धूप में सुखाकर बनाया जाता है, इससे सौंठ कड़क हो जाती है, जबकि अदरक जमीन में उगता है। सौंठ की तासीर बेहद गर्म होती है, वहीं अदरक की तासीर भी गर्म होती है, लेकिन सौंठ की तासीर अदरक की तुलना में अधिक गर्म होती है। सौंठ और अदरक दोनों ही स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं, लेकिन सौंठ को अदरक की तुलना में अधिक फायदेमंद माना जाता है। सौंठ और अदरक दोनों की तासीर गर्म होती है, इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। गर्मियों में बहुत अधिक मात्रा में सौंठ और अदरक लेने से बचना चाहिए। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। फिलहाल वीडियो में इतना ही। ऐसी ही जानकारियों के लिए चैनल बोल्ड स्काई सब्सक्राइब करें।